देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है और इसी बीच मोदी सफाई कर्मियों के पैर धोकर बड़ा दाव खेल रहे हैं। जी हां, सफाई कर्मियों के पैर धोकर मोदी क्या साबित करना चाहते हैं? कहीं ये चुनावी राजनीति तो नहीं जो चुनावी सीजन में ही बरसता है? तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज पहुंचकर संगम में डुबकी लगाई और सफाई कर्मियों के पैर धोकर उनको सम्मानित किया। वहीं पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। संगम त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद मोदी ने पवित्र संगम पर मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की और सफाई कर्मियों और स्वच्छाग्रहियों को सम्मानित किया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने सफाई कर्मियों के पीतल की थाली में पैर धोए और सफाई कर्मियों के पैर धोने के बाद उन्हें झुककर प्रणाम किया। इतना ही नहीं, सफाई कर्मियों के पैर धोने के बाद मोदी ने उनके पैरों को तौलिए से साफ किया और फिर उन्हें सम्मानित किया। वहीं मोदी के हाथों इतना बड़ा सम्मान पाकर सफाई कर्मी अभिभूत है। छत्तीसगढ़ के कोरबा की रहने वाली ज्योति ने बताया कि हमारा इतना सम्मान होगा, हम इतना गर्व महसूस करेंगे, कभी नहीं सोचा था। मैं इस मेले के लिए 4-5 महीने से यहाँ काम कर रही हूँ। और होरी लाल ने कहा कि कभी नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री हमारे चरण धुलेंगे। वहीं बांदा की नरेश कुमार ने कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि जीवन में ऐसा होगा, हम गंगा माई को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। चारों सफाई कर्मी मोदी के इस सम्मान से नवनिहाल हो गए। किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मोदी चुनावी राजनीति में इतने अंधे हो जाएंगे कि उन सफाई कर्मियों को ऐसे सम्मानित करेंगे। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।